Hello everyone. So in today class we are going to study about characteristics and block diagram of operational amplifier. We can say it also comes under basic of operational amplifier. So this topics is the part of unit 3, emerging domain in electronics engineering, first year electronic syllabus. That is, it is a part of AKTO syllabus. My name is Hari Mohan Rai. I am a assistant professor in Krishna Engineering College, Ghaziabad. So in unit 3, this is the second lecture. In this lecture, we are going to study block diagram and characteristics. So let us begin with last lecture. What we have done in the last class, we have seen about basics of operation amplifier. Basics of operation amplifier mein hum logo ne padha tha ki define kaise karte hain, yani ki operation amplifier jo high gain, very high gain, yani ki gain jo hai 10 to the power 5 ke approx hota hai, हाई गेन ऑपरेशन एम्पलीफायर होता है जो कि डिफरेंस इनपुट को, यानी कि डिफरेंस इनपुट का मतलब V1 माइनस V2 के डिफरेंस को एम्पलीफाई करता है. और इसका सिंबल हम लोगों ने बनाया था इस तरीके से, इनवर्टिंग टर्मिनल प्लस नॉन इनवर्टिंग टर्मिनल, और हम लोग यहां से लेते थे आउटपुट. तो उसी कंटिन्यूएशन में आगे बढ़ते हुए हम लोग आज की क्लास में पढ़ेंगे कि इसका ब्लॉक डायग्राम हम कैसे, बेसिक ब्लॉक डायग्राम क्या होता है आइडियल ऑप एम का, एंड इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे, क्या क्या होती है, और क्या आइडियल एंड प्रैक्टिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या डिफरेंसेस है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, ऑपरेशनल एम्पलीफायर का ब्लॉक डायग्राम. सो ब्लॉक डायग्राम ऑफ, सिंपल में बता रहा हूँ, ब्लॉक डायग्राम ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर, ऑफ शॉर्ट में ऑप एम, शॉर्ट में इसको हम ऑप एम बोलते हैं. तो लेट अस सी. तो ब्लॉक डायग्राम इसके मेनली जो होते हैं वो चार पार्ट होते हैं. और फर्स्ट पार्ट कौन कौन सा होता है, ये आई जस्ट फोर स्क्वायर ब्लॉक्स मैं यहाँ पे ड्रॉ करूंगा, और काफी बेसिक्स है, आप लोग बिल्कुल तैयार कर सकते हो. दिस इज द वन ब्लॉक, दिस द सेकंड ब्लॉक, दिस इज द थर्ड ब्लॉक, एंड देन द फोर्थ ब्लॉक. चार ब्लॉक, ओके. तो फर्स्ट ब्लॉक को हम लोग बोलते हैं इनपुट स्टेज. पहला हो गया इनपुट स्टेज, वेरी सिंपल, एवरीवन कैन रिमेंबर. तो पहला जो है इनपुट स्टेज हो गया. दूसरा ब्लॉक को क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट स्टेज. इंटरमीडिएट मतलब मध्य, इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट स्टेज. एंड थर्ड जो है वो थर्ड हमारा हो गया लेवल शिफ्टिंग स्टेज. लेवल शिफ्टिंग स्टेज, लेवल शिफ्ट करने के पर्पज के लिए स्टेज. एंड द फाइनल वन इज आउटपुट स्टेज, आउटपुट स्टेज. ओके, सो हियर वी आर टेकिंग देन आउटपुट, यहां से हम देते हैं इसको इनपुट, यानी कि ये इनवर्टिंग कर सकते हैं. एक हो गया इनवर्टिंग एंड सेकेंड वन इज नॉन इनवर्टिंग. सो दिस इज द वेरी बेसिक्स. दो मार्क्स में क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं आप लोगों को जनरली नॉन इनवर्टिंग में. सो ये बेसिक ब्लॉक डायग्राम है जो दो मार्क्स में होता है कि ड्रॉ द ब्लॉक डायग्राम ऑफ ऑपरेशन एम्पलीफायर. तो ये हम नॉन इनवर्टिंग टर्मिनल दूसरा हो गया, पहला टर्मिनल है इनवर्टिंग. तो इस तरीके से इनपुट स्टेज से स्टार्ट होता है, बीच इंटरमीडिएट स्टेज के थ्रू जाता है, लेवल शिफ्टिंग स्टेज की तरफ बढ़ता है जो कि लेवल शिफ्टिंग के लिए पर्पस के लिए, एंड देन फाइनली आउटपुट स्टेज होता है. अब ये जो मेन ब्लॉक डायग्राम है, लेकिन ये इनपुट स्टेज किसके, कौन इनपुट स्टेज में होता है, इसके इंटरनल सर्किट, ये तो ब्लॉक है, इसके इंटरनल सर्किट में क्या यूज होते हैं. जनरली इसके इंटरनल स्टेज में होते हैं ड्यूअल इनपुट, ड्यूअल है ये, आई विल जस्ट से ड्यूअल इनपुट एंड बैलेंस्ड आउटपुट, बैलेंस्ड आउटपुट. इसके बारे में, इस सर्किट वगैरह के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, बट जस्ट ये इसके इंटरनल सर्किट क्या होता है वो हम डिस्कस कर लेते हैं. और इंटरमीडिएट स्टेज में क्या होता है, ड्यूअल इनपुट, ड्यूअल इनपुट एंड अनबैलेंस्ड आउटपुट, एंड अनबैलेंस्ड आउटपुट. व्हाट अबाउट लेवल शिफ्टिंग में, तो लेवल शिफ्टिंग में जो हम सर्किट यूज करते हैं वो होता है इमीटर फॉलोअर, इमीटर फॉलोअर कॉन्स्टेंट करेंट सोर्स, एमीटर फॉलोअर कॉन्स्टेंट करेंट सोर्स. और लास्ट स्टेज जो होता है उसमें हम क्या यूज करते हैं, तो इसको यूज करते हैं हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री सिमेट्री पुश पुल एम्पलीफायर, यानी कि सिंपल में पुश पुल एम्पलीफायर. तो ये कॉम्प्लीमेंट्री, तो दिस इज द कंप्लीट ब्लॉक डायग्राम ऑफ ऑपरेशन एम्पलीफायर. बट आप लोगों को मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप लोगों को सिर्फ ये जो पोर्शन है, यानी कि
ब्लॉक डायग्राम का जनरली अगर 2 मार्क्स में आता है तो यही ड्रॉ करना, यही तैयार करना, अगर इसको डिटेल में पूछा जाता है या इसके अंडर सर्किट है तभी जाके हम इसके बारे में लिखेंगे, और एल्स दिस इज द एनफ। तो ब्लॉक डायग्राम, बेसिक ब्लॉक डायग्राम पढ़ लिया हम लोगों ने। अब हम लोग चलते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में और स्टार्ट करते हैं हम लोग आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स से, क्योंकि आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसका। तो ये हैं, लिखते हैं आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स, आइडियल एंड, मैं एक ही साथ कर देता हूं, मैं आइडियल एंड प्रैक्टिकल कर दे रहा हूं ताकि दोनों एक साथ हो जाए, आइडियल एंड प्रैक्टिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑप एम्प। सो इस केस में हमें क्या करना है कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती है और उसकी जनरली क्या वैल्यू होती है वो हम लोग देखेंगे, ऑपरेशनल एम्पलीफायर। सो लेट अस स्टार्ट विद द, इसको हम क्या करते हैं पहले एक टेबल के थ्रू जो है वो ड्रॉ करते हैं, और टेबल में क्या रखते हैं हम लोग, यहां से स्टार्ट करते हैं सीरियल नंबर, टेबल का पहला पार्ट, देन आफ्टर सेकेंड पार्ट में हम लोग रखते हैं इसका रिप्रेजेंटेशन, यानी कि हाउ वी रिप्रेजेंट इट। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। सो डिपेंडिंग, बहुत सारे बुक्स में अगर आप जाएंगे तो बहुत सारे टाइप्स के मिलेंगे, बट हम लोग स्टार्ट करते हैं सीरियल नंबर में पहला, और फर्स्ट वन इज कैरेक्टरिस्टिक्स का नाम हमने यहाँ पे ये नहीं किया, सो जस्ट अ मिनट आई हैव टू गो लिटिल बिट बैक, क्योंकि यहाँ पे सीरियल नंबर के पहले यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, यहाँ पे कह सकते हैं कि ये कैरेक्टरिस्टिक्स है और इसके पहले सीरियल नंबर, ठीक है। तो एक हमने बढ़ा दिया, तो ये आपकी, तो स्टार्ट करते हैं पहले नंबर से, फर्स्ट, लेट अस बिगिन विद। तो पहले नंबर पे हम लोग ऑर्डर, देखिए कुछ भी हो सकता है ऑर्डर, इज नॉट लाइक कि हमें जो मैंने यहाँ पे लिखा वही ऑर्डर होगा, लेकिन आप किसी भी ऑर्डर में इसको तैयार कर सकते हैं, बट कैरेक्टरिस्टिक्स के नाम हम लिख दे रहे हैं, वो हो गया वोल्टेज गेन, वोल्टेज गेन। ओके, तो वोल्टेज गेन जो कैरेक्टरिस्टिक्स है इसका रिप्रेजेंटेशन हम क्या कैसे करते हैं, इसको ए को गेन बोलते हैं और वी को वोल्टेज गेन। इसके बाद इस तरीके से इनपुट इम्पीडेंस या रेसिस्टेंस, तो हम इसको इनपुट रेसिस्टेंस लिख देते हैं। ओके, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आर आई या जेड आई से। ओके, ब्रैकेट में डाल देता हूं मैं इसको। इसके बाद थर्ड नंबर पे इनपुट के साथ हम आउटपुट इम्पीडेंस लिख सकते हैं या आउटपुट रेसिस्टेंस, तो ये हो गया आउटपुट इम्पीडेंस या रेसिस्टेंस। सो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, आर ओ या जेड ओ से रिप्रेजेंट करेंगे। फिर चौथे नंबर पे नंबरिंग कुछ भी हो सकते हैं, मैंने पहले बताया, बट कुछ हम कैरेक्टरिस्टिक्स में यहाँ पे लिख दे रहा हूं, इसको हम लोग बोलते हैं सी एम आर आर, यानी कि कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो, और इसका रिप्रेजेंटेशन सी एम आर आर से ही रिप्रेजेंट करते हैं। फिफ्थ नंबर जो है वो बैंडविथ, तो बैंडविथ को जनरली हम लोग शॉर्ट में बी डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, बी डब्ल्यू। सिक्स नंबर में हम कह सकते हैं कि पी एस आर आर, पावर सप्लाई रिजेक्शन रेशियो, जो कि बहुत हर जगह जनरली यूज नहीं मिलता है। फिर सेवन नंबर में वी कैन से स्लीव रेट, स्लीव रेट, एंड टू मोर आर देयर दैट विल बी डिस्कस इन लेटर, सेवेंथ नंबर। एंड एट्थ नंबर इज I don't have this one. So eighth number I will write somewhere here. Eighth number is offset input voltage, यानी कि offset voltage and offset current. ये कह सकते हैं कि offset voltage and ninth number offset current. अब इन सब की वैल्यू, आइडियल वैल्यू क्या होगी और इसके, इसको हम सबके बारे में थोड़ा थोड़ा डिफाइन करेंगे और इसके प्रैक्टिकल वैल्यू जनरली क्या होती है। तो स्टार्ट करते हैं वोल्टेज गेन जनरली। अब हम यहाँ पे आइडियल में या तो इनफाइनाइट या जीरो की तरफ चलेंगे, तो वोल्टेज गेन मैक्सिमम यानी कि इनफाइनाइट होना चाहिए, इनपुट इम्पीडेंस यानी कि हाई यानी कि इनफाइनाइट होना चाहिए, आउटपुट इम्पीडेंस जस्ट इसका अपोजिट यानी कि जीरो होनी चाहिए, सी एम आर आर कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो भी इनफाइनाइट होनी चाहिए, बैंडविड्थ ये भी इनफाइनाइट होनी चाहिए, PSRR और स्लीव रेट को हम SR बोलते हैं, PSRR इसकी वैल्यू जीरो होनी चाहिए क्योंकि पावर सप्लाई रिजेक्शन रेशियो है, स्लीव रेट, जब हम स्लीव रेट की तरफ आते हैं तो ये क्या होता है इसको हम डिफाइन करेंगे, पहले बता दूं स्लीव रेट जो है वो ये भी इनफिनिट होना चाहिए, और फिर इसके बाद ऑफसेट वोल्टेज एंड ऑफसेट करंट ये दोनों जीरो होता है, तो इसकी वैल्यू हम बाद में ये करेंगे, बट इसको हम दोनों को जीरो करते रहे ना। अब हम आते हैं प्रैक्टिकल वैल्यूज की तरफ। प्रैक्टिकल वैल्यूज ये कोई फिक्स नहीं है, ये अजम्पशंस या किसी एक पर्टिकुलर कंटेंट या बुक्स के बेस पे है,
तो ये जरूरी नहीं है, बट हाँ अप्रोक्सीमेटली कुछ इस तरीके से होता है 2 × 10⁵ बिकॉज ये यूनिटलेस है। इसके बाद इनपुट इम्पिडेंस की हम बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 2 MΩ के आसपास होती है इसकी वैल्यू। आउटपुट इम्पिडेंस लो होती है तो 75 Ω के अराउंड वैल्यू होती है। देन अगर हम बात करें CMRR की, तो CMRR की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 90 dB, अगर हम डेसिमल में इसको रिप्रेजेंट करते हैं, समटाइम्स डेसिमल एंड विदाउट डेसिमल ऑल्सो। बैंडविड्थ जो है करीब करीब 1 MHz होता है इसका वैल्यू बैंडविड्थ। PSRR पावर सप्लाई रिजेक्शन रेशियो की जो वैल्यू होती है वो 150 μV पर वोल्ट से रिप्रेजेंट करते हैं इसे। देन वी गो फॉर द स्लीव रेट विच इज नथिंग बट 0.5 V पर माइक्रोसेकेंड। एंड देन ऑफसेट वोल्टेज एंड ऑफसेट करंट की वैल्यू, यानी कि मैं यहां पे लिख दे रहा हूं ऑफसेट 8 नंबर की वैल्यू, 8 नंबर की जो प्रैक्टिकल वैल्यू होती है अप्रोक्सीमेटली 2 mV। एंड जब ऑफसेट करंट की जो वैल्यू होती है वो अप्रोक्सीमेटली 6 nA। दिस इज द यू कैन से ऑल योर कैरेक्टरिस्टिक्स। तो जनरली हमें फोकस, यानी कि 90% फोकस हमें करना है किस पे, आइडियल वैल्यूज पे, एंड जस्ट 10% हमें प्रैक्टिकल वैल्यू, बिकॉज प्रैक्टिकल वैल्यू इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रिमेम्बर ऑल दिस, बट दिस इज वेरी सिंपल, यानी कि आइडियल वैल्यू काफी आसान है, हम इजिली हम उसे ध्यान पे रख सकते हैं। ओके तो चलिए हम एक कुछ डिफाइन कर लेते हैं या देख लेते हैं कि क्या होता है, कैसे होता है। स्टार्ट करते हैं हम बेसिक से। पहला वोल्टेज गेन, हम सबको पता है कि वोल्टेज गेन क्या होता है। वोल्टेज गेन का मतलब हो गया आउटपुट बाय इनपुट का रेशियो, यानी कि अगर मैं इसको AV बोलूं तो क्या हो गया, आउटपुट वोल्टेज यानी कि V आउटपुट डिवाइड बाय V इनपुट को हम लोग क्या बोलते हैं, वोल्टेज गेन रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्योंकि हमेशा गेन यानी कि ज्यादा मुझे चाहिए, यानी कि आउटपुट इनपुट के कंपेयर में काफी ज्यादा होना चाहिए, इसीलिए अप्रोक्सीमेटली क्या होती है ये इनफिनिट रखते हैं। अब आते हैं इनपुट इम्पिडेंस की तरफ, यानी कि इनपुट इम्पिडेंस या इनपुट असिस्टेंस की जब हमने बात की थी, तो क्या होता है इनपुट इम्पिडेंस एंड इनपुट असिस्टेंस, इसको हम RI या ZI के तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। और हमें पता है कि ये डिफिनेशन से ही हमें पता है कि ये इसका जो है वो इनफिनाइट यानी कि मैक्सिमम होता है। तो और थर्ड नंबर हमें आउटपुट इम्पिडेंस यानी कि आउटपुट असिस्टेंस की जो वैल्यू होती है वो क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको आउटपुट ज्यादा करना है तो आउटपुट को हमें क्या करना पड़ेगा, कम रखना पड़ेगा, यानी कि दिस इज नथिंग बट ZO या दिस वन शुड बी। अब आते हैं चौथा मेन इंपॉर्टेंट वैल्यूज पे, एंड दैट इज नथिंग बट CMRR। चले जो इसके पहले मैं बेसिक छोटे छोटे वैल्यूज को हम डिफाइन कर देते हैं, जो कि इसके बाद बैंडविड्थ की बात बारे में बात करते हैं। तो बैंडविड्थ क्या हो गया, रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी, इसको BW से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है जो कि मैक्सिमम होनी चाहिए, बिकॉज इस द रेंज ऑफ ऑपरेशन शुड बी मैक्सिमम, यानी कि दैट शुड बी ऑल्सो इनफाइनाइट। एंड देन आफ्टर विल गो टू द मेन वैल्यूज लाइक CMRR, स्लीव रेट, PSRR, ऑफसेट वोल्टेज एंड ऑफसेट करंट वन बाय वन। एंड दैट इज द बिकॉज टू मास के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग CMRR से। तो CMRR एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स भी है ओपेम की, और साथ साथ में ये टू मास के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट भी है। तो इसका नाम क्या है, CMRR का पूरा नाम कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो। आप लोगों को नाम से पता चल रहा है कि कॉमन मोड जो सिग्नल है, यानी कॉमन मोड का जो इनपुट है उसको रिजेक्ट करना या उसको सप्रेस करने के रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो। डिफाइन कर लें इसको, द एबिलिटी ऑफ एन ऑप एम, सिंपल वर्ड में द एबिलिटी ऑफ एन ऑप एम टू रिजेक्ट और सप्रेस द कॉमन मोड सिग्नल्स इज कॉल्ड कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो इज कॉल्ड CMRR, यानी कि कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो। इसको मैथमेटिकली डिफाइन करते हैं, इट इज मैथमेटिकली डिफाइंड एज कैसे, द रेशियो ऑफ डिफरेंस गेन डिफरेंस डी आई डबल एफ ई आर डिफरेंस
gain to the common gain. Already हम लोग देख चुके हैं output voltage के केस में common gain. तो difference gain and common gain कैसे हैं, यानी कि CMRR is equal to given as AD difference gain divided by AC. Okay, this अगर इसका unit डेसिबल भी होता है तो जैसे हम डेसिबल में रिप्रेजेंट करेंगे अगर इसे, तो सी एम आर आर इन डीबी अगर हम करें तो ये हो जाता है 20 log AD by AC. बस क्या करना है मुझे, 20 log लगा देना है, यानी कि इज इक्वल टू 20 log AD by AC, जहां पे कि log जो है वो 10 बेस log है AD by AC. सो दिस इज कॉमन मोड इजेक्शन रेशियो. अब यहां पे हम देख सकते हैं कि AC को अगर मैं जीरो करूंगा CMR क्या हो जाएगा, इनफिनाइट हो जाएगा. AC यानी कॉमन मोड इजेक्शन रेशियो की वैल्यू मैक्सिमम होगी कब, जब ये कॉमन मोड जो होना चाहिए यानी कॉमन गेन होना चाहिए वो मिनिमम हो. तो जितना ज्यादा जितना कम होगा AC की वैल्यू उतना ही अच्छा CMRR है, उतना ही अच्छा ऑप-एम्प माना जाएगा. ओके, सो दिस इज अबाउट कॉमन मोड इजेक्शन रेशियो. आया समझ में? अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट एक पार्ट है जो है स्लीव रेट. ये भी एक इसकी प्रॉपर्टी है, इसकी बहुत अच्छी कैरेक्टरिस्टिक्स है. व्हाट इज दिस स्लीव रेट, तो इसको भी डिफाइन कर ले हम लोग. स्लीव रेट जिसको कि हम लोग शॉर्ट में एसआर भी बोलते हैं. ओके, तो स्लीव रेट होता क्या, पहले हम इसको जानते हैं और उस पहले डिफाइन करते हैं, फिर इसको समझने की कोशिश करते हैं. तो स्लीव रेट क्या होता है कि ये एक्चुअली इसको हम डिफाइन करते हैं मैथमेटिकल टर्म्स में कि मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ आउटपुट वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू द टाइम एंड एक्सप्रेस इन वोल्ट पर माइक्रो सेकेंड. तो लेट अस सी, इट इज डिफाइंड एज द सिंपल में मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ आउटपुट वोल्टेज with respect to time and expressed in volt per microsecond. Now, तो इसको हम कैसे करेंगे, डिफाइन करेंगे, एस आर इज इक्वल टू मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज, मतलब डी वी नॉट डिवाइड बाई डी टी की मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम, दिस इज कॉल्ड एस आर. लेकिन इससे क्या समझ में आया, इसको समझेंगे कैसे कि हुआ क्या. एक्चुअली इसका मतलब ये हुआ कि स्लीव रेट का मतलब ये हो गया कि अगर स्लीव रेट की वैल्यू इनफाइनाइट है यानी कि मैक्सिमम है, इसका मतलब ये है, ये प्रॉपर्टी है कि जिस रेट से आपका इनपुट चेंज हो रहा है, मतलब जिस रेट से इनपुट में वेरिएशन हो रहा है उसी रेट में मेरा आउटपुट वेरी होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल के लिए दिस इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ इनपुट, दिस इज लाइक इनपुट इस तरीके से वेरी कर रहा है, तो आपका आउटपुट भी सेम रेट से वेरी होना चाहिए. देयर शुड नॉट बी एनी चेंज इन द आउटपुट. ये कब पॉसिबल, करीब करीब एग्जैक्टली सेम इलाट होना चाहिए, तो दिस इज व्हेन जब हमारा स्लीव रेट जो है वो करीब करीब क्या हो जाए, इनफाइनाइट हो जाए, यानी कि साइमल्टेनियसली विथ रेट, विच रेट, यानी कि आई जस्ट नोट इट डाउन हियर, इनफाइनाइट स्लीव रेट, जस्ट अ सेकेंड, इनफाइनाइट स्लीव रेट क्या करता है, इनफाइनाइट स्लीव रेट का मतलब क्या हुआ, इंडिकेट्स दैट द output changes simultaneously with respect to input, यानी कि जिस रेट से इनपुट चेंज हो रहा है simultaneously with respect to the input voltage. ओके, तो इट मींस दैट हमारा दोनों का जो रेट ऑफ चेंज है वो बराबर है, सो दैट्स व्हाई स्लीव रेट शुड आल्सो बी इनफाइनाइट.
Now the third main important point to have, that is PSRR, power supply rejection ratio. PSRR is we called power supply rejection ratio. मतलब कि पावर सप्लाई में जो फ्लक्चुएशन या पावर सप्लाई में जो चेंजेस है उसको रिजेक्ट करने की एबिलिटी, तो ये क्या होनी चाहिए, यानी कि जो पावर में हमारा फ्लक्चुएशंस है पावर में सप्लाई में वो मिनिमम होने चाहिए. सो दैट हाउ इट कैन बी डिफाइंड एज, इसको हम डिफाइन करते हैं द डिग्री ऑफ डिपेंडेंस. देखना यहाँ पे द डिग्री ऑफ डिपेंडेंस of output का degree of dependence किस पे, on the changes in the power supply voltage, on the changes in the power supply voltage. इसका मतलब यह है कि जितना ज्यादा डिपेंड करेगा पावर सप्लाई के फ्लक्चुएशन चेंज पे उतना वो पीएसआरआर ज्यादा होगा, यानी कि पावर सप्लाई के फ्लक्चुएशन या चेंजेस पे हमारा आउटपुट क्या करना चाहिए, कम से कम डिपेंड करना चाहिए. इसी वजह से पीएसआरआर क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, यानी कि मिनिमम होना चाहिए, इजंट इट. सो इसको एक्सप्रेस जो करते हैं, यानी कि इट इज एक्सप्रेस्ड इन माइक्रो वोल्ट पर वोल्ट यानी कि म्यू वी शॉर्ट में म्यू वी पर वी और डेसिबल में भी रिप्रेजेंट करते हैं. एंड इट्स आइडियल वैल्यू शुड बी जीरो ओके. सो पीएसआरआर की आइडियल वैल्यू कितनी होनी चाहिए, हमें जीरो होनी चाहिए. सो दिस इज द पीएसआरआर. सीएमआरआर, पीएसआरआर, स्लीव रेट हमने जान गया. अब बचा हम लोगों का ऑफसेट वोल्टेज एंड ऑफसेट करंट. सो जस्ट छोटे शॉर्ट में हम इसको भी डिफाइन कर लेते हैं, व्हाट इज ऑफसेट वोल्टेज, ऑफसेट वोल्टेज. और यही से आपको पता चल जाएगा ऑफसेट नल के बारे में, जो हमने स्टार्टिंग में पिन डिस्कशन के बारे में बात की थी. तो व्हाट इज ऑफसेट वोल्टेज, इसको हम लोग डिनोट करते हैं जनरली, वोल्टेज को हम लोग वी से डिनोट करते हैं, वोल्टेज वी, इनपुट वोल्टेज आई और ऑफसेट के लिए ओएस, तो जनरली इससे जनरेट करते हैं. और इसको इसका मतलब ये हुआ, सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं और मैं पहले लिखवा दूं, उसके बाद मैं कोशिश करता हूं समझाने की. द प्रेजेंस ऑफ ए स्मॉल आउटपुट वोल्टेज, द प्रेजेंस ऑफ ए स्मॉल आउटपुट वोल्टेज, क्यों, इवन व्हेन बोथ द इनपुट्स आर जीरो, व्हेन बोथ द इनपुट्स आर जीरो, दैट इज इफ वी वन इज इक्वल टू वी टू इज इक्वल टू जीरो है तो भी अगर हमें आउटपुट मिलता है तो दैट इज कॉल्ड ऑफसेट वोल्टेज. द प्रेजेंस ऑफ ए स्मॉल आउटपुट वोल्टेज इवन व्हेन बोथ द इनपुट्स आर जीरो इज कॉल्ड ऑफसेट वोल्टेज. ओके, इसका मतलब यह है, जैसे हमने शुरू में कॉमन मोड के बारे में बात किया था, कि अगर इनपुट दोनों बराबर है, यानी कि दोनों मिलके अगर जीरो है, यानी कि ये भी जीरो, ये दोनों जीरो है, इसके बाद हमारा आउटपुट क्या मिलना चाहिए, जीरो मिलना चाहिए. लेकिन ऑफसेट वोल्टेज में क्या होता है, प्रैक्टिकली हमें कुछ स्मॉल वोल्टेज, यहाँ पे बहुत स्मॉल वोल्टेज, बहुत कम वोल्टेज मिलता है, इसको हम लोग ऑफसेट वोल्टेज कहते हैं. लेकिन हमें आइडियली क्या होना चाहिए, ऑफसेट वोल्टेज जीरो होना चाहिए. यही वजह है कि वी आई ओ एस को हम लोग आइडियल कंडीशन में क्या रखते हैं, जीरो रखते हैं. इनपुट ऑफसेट करंट जो है, सिमिलरली अगर हम ऑप एम्प की बात करें तो आइडियली इसमें क्योंकि इंपेडेंस बहुत ज्यादा हाई होता है, तो आइडियली इसके अंदर में कोई भी करंट फ्लो नहीं होती है, यानी कि आइडियली इसमें जीरो करंट फ्लो होती है, यानी कि आइडियली ऑप एम्प के अंदर में, इनसाइड द ऑप एम्प देयर इज नो करंट फ्लो, यानी कि IB1 और IB2 क्या होना चाहिए, दोनों जीरो होना चाहिए. बट प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता, यानी कि प्रैक्टिकली कुछ अमाउंट ऑफ करंट
फ्लो होती है, और इसी को हम लोग बोलते हैं इनपुट ऑफसेट करंट, यानी कि IOS या IIOS इज इक्वल टू क्या होता है, IB1 माइनस IB2 के जो डिफरेंस यानी कि मोड होता है उसको हम लोग इनपुट ऑफसेट करंट कहते हैं। गेटिंग? अब इनपुट एक बायस करंट या कहीं कहीं पे बेस करंट भी बोलते हैं। बायस करंट का मतलब यानी कि दोनों करंट का, जैसे कि हमने कॉमन मोड पढ़ा था उसी तरीके से, यानी कि इनपुट बायस करंट जो होता है, बायस करंट यानी कि ये आईबी से डिनोट करते हैं इसको, यानी कि आई बायस और आईबी भी कह सकते हैं इसको, तो इसको हम लोग जो रिप्रेजेंट करते हैं वो उसे दोनों के एवरेज को, यानी कि IB1 प्लस IB2 डिवाइड बाई 2 के, ये होता है इनपुट बायस करंट। तो बेस करंट भी कहीं बोला जाता है इसको, क्यों? क्योंकि ये बेस, जब हम इसके इनपुट सर्किट्स के बारे में पढ़ेंगे, ड्यूअल इनपुट एंड बैलेंस आउटपुट, तो उसमें पता चलेगा कि जो हम सर्किट यूज करते हैं वो दोनों साइड में वो इक्विवेलेंट कॉमन इमिटर सर्किट यूज करते हैं, और यहाँ पे जो इनपुट प्रोवाइड करते हैं वो क्या होता है, बेस होता है। तो बेस के थ्रू जो करंट होती है, इसी वजह से इसको बेस करंट भी बोलते हैं, बट यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं इनपुट बायस करंट। तो यह समझ में आया, ये कैरेक्टरिस्टिक्स इनपुट ऑफसेट करंट, मतलब जो दोनों करंट, दो आइडियली कोई भी करंट इसमें फ्लो नहीं होनी चाहिए, बट प्रैक्टिकली कुछ अमाउंट में करंट फ्लो होती है और उसकी वजह से हमें कुछ अमाउंट ऑफ डिफरेंस, दोनों के बीच का डिफरेंस मिलता है, उसको बोलते हैं इनपुट ऑफसेट करंट। जबकि भले दोनों करीब करीब बराबर होते हैं, इसके बावजूद भी कुछ अमाउंट में ये करंट मिलती है, उसको इनपुट ऑफसेट करंट बोलते हैं। और इनपुट बायस करंट क्या होता है, इन दोनों करंट के एवरेज को हम लोग इनपुट बायस करंट बोलते हैं। अभी मैं क्या करने जा रहा हूं कि आप लोगों को जो हमने कैरेक्टरिस्टिक्स को याद कैसे रखा जाए या याद करने का क्या बेसिक्स तरीका हो सकता है वो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। सो यू कैन से दैट मैं यहां पे आइडियल जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको याद, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स याद रखना मेन इंपॉर्टेंट सेक्शंस है या उसको ध्यान पर रखना। तो मैं एक छोटा सा ध्यान पर रखने के लिए छोटा सा ये बताता हूं बच्चों को, इसको लिखता हूं वेरी ब्राइट, V-R-I-G-H-T, वेरी ब्राइट ऑर्डिनरी, वेरी ब्राइट ऑर्डिनरी और ऑयली, OILY, ऑयली पिक्स, यहां पे लिखता हूं PICS, पिक्स। अब इसको कैसे ध्यान पे रखना है, कैसे हमें तैयार करना है बता दे रहा हूं। V इसका पहला V, इसका B, इसका O, ये भी O, इसका O और ये तीनों। तो अब यहां स्टार्ट करते हैं V से, तो V से क्या हो गया, वोल्टेज गेन, ध्यान रखने का तरीका वोल्टेज गेन। B से बैंडविथ, क्लियर, बैंडविथ। O से अब तीन चीजें होगी, एक तो आउटपुट इंपीडेंस भी हो जाएगा, आउटपुट इंपीडेंस, इंपीडेंस या रेसिस्टेंस, ये O से ऑफसेट करंट एंड ऑफसेट वोल्टेज, ऑफसेट करंट एंड ऑफसेट वोल्टेज, ये O से दोनों तीन से हो गया ऑफसेट वोल्टेज, ये हो गया पूरा यहां के फर्स्ट लेटर से। अब आते हैं P से, P से PSRR, I से इनपुट इंपीडेंस, C से CMRR और S से स्लीव रेट। ठीक है, अब आपको मेनली पता एक को याद रखना है, मतलब एक याद रखने का मतलब है वोल्टेज गेन इनफिनाइट, बैंडविड्थ शुड बी इनफिनाइट, ये आउटपुट इंपीडेंस, ये ऑफसेट इंपीडेंस तीनों रहने देते हैं, पीएसआरआर शुड बी जीरो, इनपुट इंपीडेंस इनफाइनाइट, सीएमआरआर इनफाइनाइट एंड स्लीव रेट इनफाइनाइट, रिमेनिंग आर जीरो, यानी कि जस्ट लेट मी शो विद सम अदर कलर, दिस इज आल्सो जीरो 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 एंड जीरो। सो दिस इज द कंप्लीट आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑप एम्प। सो इन टुडे लेक्चर वी हैव स्टडीड अबाउट ब्लॉक डायग्राम ऑफ ऑप एम्प, ideal characteristics of op-amp, हर ideal characteristics के explanation, उसके definitions और उसका finally एक trick, एक तरीका जिसको कि हम लोग इसको ideal characteristics को याद रखें, यानी कि very bright, ordinary और oily pics, pictures को हम लोग pics बोलते हैं। तो यानी कि सबके पहला letter और ये pics का सारे letters को अगर हम ये करते हैं तो सारी characteristics हम यहाँ पे ध्यान रख सकते हैं और इसमें exam में आराम से लिख सकते हैं। तो आज की class के लिए इतना ही, thank you, और आप, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को ये पूरा लेक्चर समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर।